ऑलराइट दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल इंडियन साइंस शो पे। मैं हूं आपका होस्ट निखिल। दोस्तों, यह है स्पंज, नर्मा नरम स्पंज, इसे बहुत अच्छे से हम खेलते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन दोस्तों, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि ये जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना दोस्तों, लिक्विड नाइट्रोजन, इस लिक्विड नाइट्रोजन को इस स्पंज पे डाल दो, क्या होगा? ये स्पंज पानी की तरह लिक्विड नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा या क्या होगा? मुझे बिल्कुल नहीं पता। आमतौर पर मैं एक्सपेरिमेंट पहले करता हूं, लेकिन मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूं। तो देर ना करते, आज का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करना ना भूलेगा। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन है, यहाँ पर स्पंज है। जब मैं इस हथौड़ी से इस पे मारता हूँ तो देखिए कितनी जरा से अच्छे से ये हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे इस पे डाल देते हैं डायरेक्टली। ओ गॉड, दोस्तों आपने देखा लिक्विड नाइट्रोजन इसके अंदर पानी की तरह चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे धुआं भी नहीं कर रहा है और यह सख्त भी हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें फिर से लिक्विड नाइट्रोजन डाल देता हूँ। ओ गॉड, ये काफ़ी ठंडा है। मैं थोड़े से कपड़े की मदद लेता हूँ क्योंकि मेरे पास आज ग्लव्स नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत एक्सपेरिमेंट काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं इससे। ऑलराइट दोस्तों, हमारा ये जो पूरा लिक्विड नाइट्रोजन से भरा हुआ स्पंज है, मैंने इसमें डाल दिया है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्पंज का रंग बदल रहा है दोस्तों, और आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये जो स्पंज है ये हार्ड हो गया है, किसी पत्थर की तरह, ये किसी पत्थर की तरह हार्ड हो गया है। देखिए, इससे लिक्विड नाइट्रोजन किसी पानी की तरह बह रहा है दोस्तों इसमें से। देखिए, अरे वाह, ये क्या हो गया। देखिए, किसी पानी की तरह इससे लिक्विड नाइट्रोजन बह रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ये देखिए, इस स्पंज ने पूरा लिक्विड नाइट्रोजन इसमें से सोख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से देखिए एक बार कि ये लिक्विड नाइट्रोजन को अपने अंदर सोख रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन को अपने अंदर सोख रहा है, और इससे किस तरह से फिर से लिक्विड नाइट्रोजन पानी की तरह बाहर रहा है। बाहर मैं फिर से इसमें रखता हूँ, देखिए कैसे इसे पूरी तरह से सोख ले रहा है। देख, फिर से इसमें से लिक्विड नाइट्रोजन बाहर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे कर देते हैं बाजू में, और जो बचा हुआ लिक्विड नाइट्रोजन है हम इसमें एक्स्ट्रा लिक्विड नाइट्रोजन पूरा बाहर ऐसे ले लेते हैं इसमें से। यहाँ पर देख सकते हैं, और हमारा ये जो स्पंज है, हम अब इसकी खबर लेते हैं दोस्तों। ये काफ़ी स्ट्रांग, ये जो आप देख सकते थे किस तरह से नरम था, अभी आप देख सकते हैं कि ये इस स्पंज का क्या हाल हो गया है। मतलब ये किसी कागज़ की तरह टूट रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था दोस्तों। हम इसे देखा, ये क्या हुआ, मैंने इस स्पंज को बिल्कुल किसी मतलब कार्डबोर्ड की तरह बीच से तोड़ दिया है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, जो स्पंज था इसमें स्पंज की कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं रही। ये देखिए, दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्पंज तो खाली नाम के नाम का ही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका ये क्या हाल हो गया है। तो दोस्तों, कुछ ये होता है जब हम स्पंज में लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको वीडियो में कुछ मजा आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।